हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, होप एवरीथिंग गुड गाइस। सो आज मैं लेकर आई हूँ ज्वेलरी हॉल। आज मैं आपको इयररिंग्स दिखाऊंगी जो अभी रिसेंटली मैंने परचेज की हैं अमेज़ॉन से, क्योंकि अमेज़ॉन पे मिल रही है बहुत ही भारी भरकम डिस्काउंट, क्योंकि उस पर चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल गाइस, सेल चल रही है अमेज़ॉन पे, जो जल्दी से सेल का फ़ायदा उठाइए। मैंने भी बहुत कुछ ऑर्डर करा है, जैसे जैसे प्रोडक्ट रिसीव होंगे आपको हॉल वीडियो मिलते जाएंगे। तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। कुछ कैजुअल लाइक जो मैं हॉल्स वीडियो में मोस्टली पहनती हूँ, वही इयरिंग्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सारे लिंक्स आपको माय हॉल स्टोर पे मिलेगी। सो नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैंने लिया है मल्टी कलर बीट्स ऑक्सीडाइज टेस्टल लुक अफगानी डिज़ाइन झुमका गाइस, और बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है। जयपुरी झुमका है ये, बहुत प्यारा है। नीचे को आपको घुंघरू मिलेगी जो बहुत ज़्यादा यू नो आवाज़ नहीं कर रही है, और ये मुझे मिली है 400 रुपीज़ में, जो कि बहुत स्टील डील है, क्योंकि इस तरीके की ईयरिंग्स आपको इसी प्राइस में अमेज़ॉन पे अवेलेबल होती है। सो बहुत ब्यूटीफुल है, ग्रीन का इस पे बीट्स भी लगा हुआ है, बहुत लाइट वेटेड है। जो उसका डिज़ाइन है पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, इस तरीके से राउंड शेप में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पहना था, और ये कलर बहुत प्यारा है। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी डील है। एंड जब पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रहा है मैंने कोई हेवी इयरिंग्स पहने हैं। वैसे भी आजकल के जो इयरिंग्स आते हैं वो बहुत लाइट वेटेड आते हैं। सो हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर ऐसा कुछ आप सूप लिए हो दुर्गा पूजा के लिए तो जल्दी से ग्रैब कर लो, मैचिंग ये बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट मैंने पिक करा है अफगानी डिज़ाइन मिरर स्टर्ड एंटिक ऑक्सीडाइज इयरिंग्स गाइस, एंड ये मुझे मिली है 350 रुपीज़ में। करेंटली आउट ऑफ स्टॉक है, बट स्टॉक में आते जाते रहती है। सो इसका कलर कॉम्बिनेशन रेड एंड ग्रीन कलर में है, मिरर वर्क वाला, बहुत ही ब्यूटीफुल इयरिंग है गाइस। इनको यू नो इस टाइप के मेरे पास ना एक बहुत ही बड़े साइज में भी है, सेम ब्रांड से मैंने छोटे साइज में लिया है, जिनको भी यू नो ज़्यादा हेवी पहनना पसंद नहीं है। थोड़ा मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बट जो मैं पहनती हूँ साइज का उससे छोटा है। तो बैक पे ये वेलवेट का यू नो कपड़े का कुछ वर्क करा रहता है कुछ इस तरीके से, बहुत स्टडी होती है, बहुत लंबी चलती है एंड काफ़ी अच्छी भी लगती है। सो अगर आप कोई बोहो लुक क्रिएट करना चाहते हो तो ये बहुत प्यारी लगेगी। सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट पे। नेक्स्ट मैंने पिक करा है सेम अफगानी ज्वेलरी पिंक कलर में, सो बहुत ही ब्राइट पिंक कलर है गाइज, एंड इसका जो शेप है वो डिफरेंट है, लास्ट वाले का शेप डिफरेंट था। सो पूरा फुल मिरर वर्क करा हुआ है इस पे, एंड मिरर की घुंघरू भी लगी हुई है। ये भी मुझे मिली है 375 रुपीज़ में, और ऐसे जो अमेज़ॉन पे ये जो इयरिंग्स होते हैं वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं गाइज, तो जल्दी जैसे मिलती है ग्रैब कर लो। इसका जो वेट है बहुत लाइट वेटेड है, जितने भी इयरिंग्स मैं आज आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल लाइट वेटेड है, जैसे आजकल की इयरिंग्स चल रही है। सो ना वह बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, ग्रीन ब्लू किसी भी कलर में ये जाएगा बहुत अच्छे से, गोल्डन ब्लैक पे भी बहुत प्यारी लगेगी। एंड इस दुर्गा पूजा यू नो अगर आप लहंगा चोली गुजराती लहंगा पहन रहे हो तो इस तरीके की इयरिंग्स बहुत प्यारी लगेगी। सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने पिक करा है थोड़ा कलर से हटकर, लाइक अभी इससे पहले बहुत कलरफुल दिखाएं, ये सिल्वर और गोल्ड का टोन है जो मुझे बहुत पसंद आया, चांद बाली इयरिंग्स है ये। ये मुझे मिली है ओनली 300 रुपीज़ में सेल पे गाइस, और करेंटली ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, तो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक चलती है। इसका जो काम है ना, जो वर्क करा हुआ है, आप देखो बहुत महीन ब्यूटीफुल वर्क करा हुआ है। सिल्वर गोल्ड का टोन मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली ढूंढती हूँ, क्योंकि खुद जब मैं शूट करते रहती हूँ ना तो ऐसा कोई ड्रेसेस आ जाते हैं जिस पे ना सिल्वर जाती है ना गोल्डन जाती है, तो उस पर इस तरीके की इयरिंग्स बहुत काम आती हैं, एंड ये बहुत रेयर मिलती है। तो मैं इसे तो 200% रिकमेंड करूँगी, जल्दी से ग्रैब कर लो, इतने कम प्राइस में बहुत अच्छी डील है, और इतना लाइट वेटेड है ना, जितना देखने में ये हेवी लग रहा है जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा यू नो कि कुछ आपने हेवी पहना है, बस लगेगा कि छोटू सा कोई इयरिंग्स पहन रखा है। और इसका जो शेप है, शेप भी बहुत प्यारा है, तो इस तरीके की मेरे पास भी कुछ नहीं थी तो मैंने ये मंगाया। सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट और लास्ट आइटम मैंने पिक करा है ये हेयर बन पिन, जो इन दिनों बहुत ट्रेंड में है गाइज। ये मुझे मिली है 600 रुपये में, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा वर्थ है, ट्रस्ट में। इसकी जो वाइट फ्लावर्स बने हुए हैं ना, रेड वाइट रोज़, बहुत ब्यूटीफुल है। 4 फ्लावर्स आपको मिल रही हैं, एंड इस पर गोल्डन वर्क मिल रहा है आपको, छोटे छोटे से जो ये डिज़ाइन मिल रहे हैं फ्लावर्स के गोल्डन, एंड उस पर ग्रीन लीव्स बनी हुई है, बहुत ज़्यादा बहुत स्टडी है,
बहुत ब्यूटीफुल है एंड देखने में काफ़ी एक्सपेंसिव भी लग रही है, और इसे लगाना भी बहुत ईजी है। बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ जोड़ों की तरह एकदम बहुत ज़्यादा पिनअप करने की आपको ज़रूरत है, सिर्फ दो पिन इसके लिए काफ़ी है और आप ईजीली लगा सकते हो। तो इस तरीके की पिन आप लो, उसको मतलब इस पर कोई हुक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हुक नहीं दिया हुआ है तो वैसे आप चाहोगे कि एडजस्ट करना तो नहीं होगा। एक क्लिप लो, क्लिप को साइड से इस तरीके से लगाओ, पीछे डालकर दूसरे तरफ से एडजस्ट कर लो, क्योंकि एडजस्ट करने के लिए दोनों तरफ एक होल दिया हुआ है, और ऊपर से सेफ्टी के लिए एक पिन डाल लो बस। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली ऐसे हेयर स्टाइल हो जाते हैं। जितने भी आप मेरे शूट में देखते हो, मैं इस तरीके से ईजिली मैनेज कर लेती हूँ, और ये काफ़ी अच्छी भी लगती है मैसी बन में या फिर कोई सिंपल ऐसे बन में, बहुत अच्छी लगती है। सो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताएं। पसंद आए गाइस तो सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।